तो आइए फिर से आज महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि कल का लेटर में आप लोग देखे थे, सेविका और सहायिका के लिए आप लोग को जो है 500 का प्रोत्साहन राशि, यानी कि 250 सहायिका के लिए प्रोत्साहन राशि के बारे में आप लोग को बताया जा रहा था। और इसमें जो आप लोग को क्या क्या करनी होगी, सबसे पहले देखिए कि पोषण ट्रैकर में आप लोगों को क्या क्या करना होगा तो आप लोग को जो है प्रोत्साहन राशि आप लोग को मिलेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से क्लिक किए और पोषण ट्रैकर इस तरह से खुला, और खुलने के बाद आप लोग को जो है किस प्रकार से पर मंथ, अगर आप लोग सही से अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को जो है अलग से यानी कि 500 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर आप लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका को दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारा जो डिस्ट्रिक्ट में जो है लिस्ट बन गई है, आप लोग पता कीजिएगा तो आप लोग को जरूर पता चलेगी कि आप लोग को भी प्रोत्साहन राशि आई होगी। जैसे कि आप लोग देखिए कि सबसे पहले तो देखिए इसमें जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए कि ये एक लेटर जो आप लोग को दिया गया था, इसमें जो है आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है इस तरह से जो चर्चा किया गया था, आप लोग सभी सेविका आप लोग ध्यान में से देखिएगा कि यहाँ पे सेविका के लिए 500 रुपया और सहायिका के लिए 250 रुपया। और इस तरह से जो है हम लोग को क्या करनी होगी कि यहाँ पे जो है सबसे पहले तो वृद्धि निगरानी आप लोग को दी रहेगी, यानी कि 80% वृद्धि निगरानी अगर आप लोग कर देते हैं और गृह भ्रमण यानी कि 60 पढ़ते हैं तो आसानी से जो है आप लोग को जो है इस तरह से जो है 500 रुपया पर माह के से जोड़ के आप लोग को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे जो है होम विजिट यानी कि गृह भ्रमण इसी को बोला जाता है, और ये जो है आप लोग को 60% यानी कि आप लोग को 60% इसको आप लोग को हर माह कर देनी है। अगर आप लोग को एक दो दिन मतलब छूट भी जाता है तो आप लोग को टेंशन नहीं है, आप लोग अगर 60% इसको गृह भ्रमण कर लेते हैं यानी कि इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे मान लीजिए ये गर्भवती महिला है, इस पर क्लिक करके और इस तरह से जाते हैं और यहाँ पर जो आप लोग को जो आज जो है आज जो है आज तक जो लागू किया गया यानी कि आप लोग को यहाँ पे लाभार्थी शो कर रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आप लोग आसानी से होम विजिट करते होंगे, इस तरह से जो भी लाभार्थी आ रहे हो यानी कि गर्भवती महिला होगी या स्तनपान कराने वाली माता होगी या 0 से 6 माह के बच्चे या 6 माह से 3 साल वाले बच्चे और 3 साल से 6 साल वाले बच्चा, इस तरह से अगर आप लोग को आती है और इस तरह से आप लोग सबमिट मार देते हैं, होम विजिट कर लेते हैं, अगर आप लोग को 60% हो जाती है तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को जो है लगभग आप लोग को 500 रुपया पर मंथ आएगा ही आएगा। उसके बाद तो सेकेंड नंबर में देखिए कि वृद्धि निगरानी है, तो वृद्धि निगरानी के लिए आप लोग को क्या करना होगा कि 80% पुरानी होगी, यानी कि आप लोग को जो है 80% अगर आप लोग पुरा देते हैं तो हर माह यानी कि 500 रुपया जोड़ के मिलेगा। अगर आप लोग सभी काम को निश्चित तौर पे अगर आप लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बेनिफिशियरी में गए और किसी भी बच्चा को यानी कि मान लीजिए 0 से 6 माह वाले बच्चे में गए या 6 माह से 3 साल वाले बच्चे में गए या 3 साल से 6 साल वाले बच्चे में किन्हीं में गए इस तरह से, और यहाँ से 3 डॉट पर जाके यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके और इस तरह से जाते होंगे और यहाँ जो है दिख रहा होगा विकास की निगरानी यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि इसी को बोला जाता है वृद्धि निगरानी यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग। अगर आप लोग कर देते हैं 80% तो आप लोग को आसानी से जो है 500 रुपये आप लोग को प्रोत्साहन राशि कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हाइट वेट आप लोग डालते होंगे और सबमिट मार देते होंगे तो आप लोग को जो है इसी को आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं या वृद्धि निगरानी आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग देख लिए यानी कि आप लोग तो ये दो महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको दो को करते हैं अच्छे से तो आप लोग को लगभग 500 रुपया आ जाएगा ही। लेकिन इसमें और भी है, जैसे कि अगर आप लोग को लाभार्थी वेरीफाई हो जाती है यानी कि आप लोग को जल्दी हो सकता है तो अपडेट आएगी, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि अपडेट आएगी या नहीं आएगी, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग डिलीट नहीं करना है लाभार्थी को और फिर से रजिस्ट्रेशन करके आधार वेरिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो है इस तरह से नियम नहीं दी गई है। अगर आप लोग को हो सकता है अगर आती है आधार वेरिफिकेशन करने का, यानी कि आप लोग को किसी भी लाभार्थी को इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग देखिए कि मान लीजिए 6 माह से 3 साल वाले बच्चे का, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग देखिए कि यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। इस तरह से अगर आप लोग को जो है इस तरह का इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोग को जल्द से जल्द ही बताया जाएगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके और इसको डिलीट करके और यहाँ पर जो है आप लोग डिलीट करके आप लोग नहीं रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, यानी कि आधार वेरिफिकेशन नहीं कीजिएगा, ठीक है, ऐसा नियम नहीं है। अगर करते हैं तो आप लोग को जो है हो सकता है तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन आप लोग देखिए कुछ समय वेट कर लीजिए, इतना दिन तो वेट कर ही लिए, लेकिन और कुछ दिन वेट कर लीजिए, जल्दी हो सकता है कि आप लोग को जो है उनका माता पिता का ऑप्शन यानी कि इस तरह से दिया जाएगा, जैसे कि आधार वेरीफाई है यानी कि यहाँ पे आधार पे क्लिक किए और यहाँ पे जो चाइल्ड का आधार है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे
मदर मदर या फादर या गार्जियन का यहाँ पे दे सकता है। तो इस तरह से जो है आप लोग THR में भी जो है अभी नहीं करते होंगे, हमको भी पता है, यानी कि आप लोग गर्भवती महिला को कर देते होंगे, स्तनपान कराने वाले माता को कर देते होंगे, और जो भी बच्चा होगा एक आध दो गो जिनका आधार कार्ड होगा उनको कर देते होंगे THR, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि आप लोग को जो है इवेंट में जाके, यानी कि यहाँ पर आप लोग इवेंट के लिए आप लोग को कहाँ जाना होता है, यानी कि अधिक, यानी कि इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है पेज खुलेगी, और यहाँ पे जो है घटना है यानी कि इवेंट आप लोग को दिया गया है, और इसमें जो है आप लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे जो है आप लोग को जो है अगर जिस दिन आप लोग के आंगनबाड़ी में सुई पड़ता होगा तो उस दिन का आप लोग ये जो कर सकते हैं VSND, यानी कि सुई जिस दिन पड़ रहा होगा उस दिन का आप लोग यहाँ पे यस करके, और आप लोग को जो है यहाँ पे डेट डाल के, और आप लोग को जो है डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट मार सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग को तो ये नॉर्मल बात है, जिस दिन आप लोग का आंगनबाड़ी में अगर सुई पड़ती है तो आप लोग आसानी से जो है यहाँ पे इस तरह से सबमिट मार सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे CBE के बारे में, तो आप लोग जान रहे होंगे, इस पर क्लिक करते होंगे और यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इवेंट, यानी कि आप लोग इवेंट मना रहे होंगे, जैसे कि गोदभराई दिवस हो गया और अन्नप्राशन दिवस हो गया। तो अन्नप्राशन दिवस आप लोग 19 को मनाते होंगे, आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट आसानी से मार देते होंगे, 5 मिनट में काम हो जाता होगा यहाँ पे अन्नप्राशन दिवस। या गोदभराई दिवस भी आप लोग को जो है 7 तारीख को करते हैं, बाकी जो स्टेट में हो रहा होगा किस दिन होता है वो लोग खुद ब खुद जानते होंगे, लेकिन बिहार में अधिकतर जो है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा 19 को अन्नप्राशन दिवस और 7 को जो है यहाँ पे गोदभराई दिवस। तो इस तरह से आप लोग को जो है इतना काम अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को जो है प्रोत्साहन राशि के लिए 500 रुपया कोई नहीं रोकेगा, और सभी आंगनबाड़ी सेविका को इस पर ध्यान देना होगा। और ये 3-4 चीज़ जो है आप लोग जो है मंथली में आप लोग देख लीजिए कि इस तरह से, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में कर लीजिएगा, या 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में कर लीजिएगा, आप अपना अनुसार आप लोग को जब मान लीजिए कि जिस दिन आप लोग करते होंगे अपडेट करते होंगे, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बाद बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो बताई जाएगी। और वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।